अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल कय्यूम और मेरे चैनल पर जो मैंने एमएस वर्ड 2016 की ट्यूटोरियल स्टार्ट किया हुआ है उस सिलसिले का ये आज का तीसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। आज हम बात करेंगे होम टैब के अंदर जो पैराग्राफ का सेक्शन है, जो तीसरा सेक्शन है पैराग्राफ का, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को कैसे बेटर बना सकते हैं, कितना अच्छा खूबसूरत हम लोग अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगेन ये स्टेप आपको पता होगा, ये मैंने फ़ाइल खोली है एमएस वर्ड की। सिंपल स्टार्ट में जाके मैंने एमएस वर्ड का प्रोग्राम सर्च किया है वर्ड लिखकर, या फिर डेस्कटॉप में मेरा आइकन होगा, मैंने वहाँ से ओपन किया है। और ये एक अपनी डिफ़ॉल्ट पोजिशन में जो डॉक्यूमेंट का नाम है डॉक्यूमेंट 1 और ये सॉफ्टवेयर का नाम जो है वर्ड में ओपन हो गया है। डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है टाइटल बार के साथ, होम टैब में खुला हुआ है ये, और वाइट स्पेस जो है हमारी वर्किंग एरिया है हमारा, ठीक है। हम पैराग्राफ के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा पैराग्राफ के बारे में ओवरव्यू देना चाहूँगा। वो ये है कि पैराग्राफिंग हम लोग यूज़ कैसे और कहाँ कहाँ करते हैं। मान लीजिए आप कोई लेटर लिख रहे हैं, आप कोई दरख्वास्त लिख रहे हैं, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसमें एक ख़ास टॉपिक के ऊपर आप कुछ लाइनें लिखते हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए आप एक नेक्स्ट उसके एस्पेक्ट पे कुछ टाइप करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप उसको एक नए पैराग्राफ की शक्ल दे देते हैं। तो उसमें अब हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, एमएस वर्ड हमें किस किस किस्म की आज़ादी देता है काम करने के लिए, वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, सिखाने की कोशिश करूँगा और साथ साथ करके दिखाने की कोशिश भी करूँगा। सबसे पहले हमें कुछ पैराग्राफ चाहिए होंगे, तो उसके लिए इसकी एक बहुत अच्छी यूटिलिटी है वर्ड की, हमें सिंपल पैराग्राफ जो है वो हम लोग टाइप कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर चूँकि पूरा पैराग्राफ डाउनलोड नहीं करने की ज़रूरत, मैं एक छोटी सी कमांड लिखूंगा और पैराग्राफ ऑटोमेटिकली डमी पैराग्राफ यहाँ पर शो हो जाएंगे। मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू RND रेंड, रैंडम से रेंड, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, पांच लाइनों का मुझे चाहिए और पांच उसके साइज हो, और मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा। ये देखें आप, मुझे एक ये पांच पैराग्राफ मिल गए हैं एक छोटी सी कमांड के ऊपर ही। और ये मैं आपको इसका लिंक भी मैं दे दूंगा डॉक्यूमेंट के अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको। ये पांच पैराग्राफ हमारे पास आ गए और आप चूंकि देख रहे हैं कि ये अगेन सारे के सारे जो हैं पाँचों पैराग्राफ्स, इनका फॉन्ट जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ है 11, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर ब्लैक, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल जो है, फॉन्ट नेम जो है वो कैलिब्री है, ठीक है। इसको अगर आपने चेंज करना हो अपनी मर्जी से, आप जैसे भी आप डॉक्यूमेंट चाह रहे हैं, आप जैसा डॉक्यूमेंट आप यूज़ करते हैं, फॉन्ट यूज़ करते हैं, आप कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप ये यूज़ ना करें, आपको जो अच्छा लगता है या जो आप दिखाना चाहते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये हम पहले बड़ी ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, साइजेस, फॉन्ट स्टाइल, अंडरलाइन, बोल्ड, कलर, हाईलाइटिंग, साइजेस फॉन्ट के, हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक स्टेप आगे जाएंगे और वो स्टेप्स हैं, हम इस पैराग्राफ को कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे, इस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, इसको खूबसूरत कैसे बनाएंगे, ये हमारा आज का टॉपिक होगा रहेगा। मैं इस पहले पैराग्राफ को तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये स्टार्ट हो रहा है, आप देखें वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, और ये चल रहा है कंटिन्यूशन में चल रहा है, और मैं देखूँ तो ये इसने अभी कहीं पर भी लाइन ब्रेक नहीं की। ये एक बड़ा अच्छी बात है जो कि मैं आपको एक बता भी देता हूँ, इसकी थोड़ी सी इसको डिस्क्राइब भी कर देता हूँ मैं कि ये जो मैंने बात की है लाइन ब्रेक की, ये क्यों नहीं की। देखिए यहाँ पर अभी ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये साइड बार डॉट फुल स्टॉप के बाद ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर नई लाइन स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इंटर को हिट करना पड़ेगा, तो ये नई लाइन या नए पैराग्राफ में कर्सर शो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस फुल स्टॉप के बाद अगर मैं कोई चीज लिखता हूं, वीडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे टू
help you prove your point. आपने नोट किया होगा कि वीडियो प्रोवाइड्स ए के बाद इसने खुद ही अगली लाइन स्टार्ट कर दी है, पावरफुल वे टू हेल्प योर प्रूव योर पॉइंट. इसका मतलब ये है कि ये जो भी चीज़ चल रही है यहाँ पर फुल स्टॉप तो मुतअद्दिद बार आ रहे हैं, मतलब लाइंस तो मुतअद्दिद बार सेंटेंस चेंज हो रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर लाइन ब्रेक नहीं आ रही, हम लोग इंटर नहीं कर रहे, तो ये इसको पूरे पैराग्राफ को कंटिन्यूस में लेके चल रहा है. कंटिन्यूस से मतलब ये है कि ये देखें, ये पहली लाइन में पावरफुल पॉइंट के बाद फुल स्टॉप है, लेकिन उसने आगे ही इसको स्टार्ट कर दिया और ये इसको एक पैराग्राफ की शक्ल इसी सूरत में बनती है. अगर मैं यहाँ पर लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ तो मैं लाइन ब्रेक कर भी सकता हूँ, मैं इंटर दबाऊंगा, जस्ट इंटर दबाऊंगा तो लाइन ब्रेक हो जाएगी. इसी तरीके से जब मैं ये फुल स्टॉप आ रहा है तो यहाँ पर मैं इंटर प्रेस करूंगा तो तब भी लाइन ब्रेक हो जाएगी. तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसको टेक्स्ट रैप में, टेक्स्ट रैप एक लफ्ज़ होता है, मैं यहाँ पर टाइप करके आपको दिखा भी देता हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ. टेक्स्ट रैप, इसको टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं कि जब ये लाइन ब्रेक ना कर रहा हो और ये चलता रहे, कंटिन्यूस चलता रहे, तो ये टेक्स्ट रैपिंग कहलाता है और ये टेक्स्ट रैप हो रहा है इस टाइम पे, ये सारा जो हो रहा है. अच्छा, अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये जो चीज़ यहाँ से, तो ये सारे का सारा ये जो वीडियो है पेस्ट है ऑनलाइन है, ये एक लाइन में एक बिल्कुल स्मूथ लाइन में शो हो रही है सारी चीज़ें, आगे पीछे नहीं हो रही. लेकिन इसके बरक्स जो एंड वाला पॉइंट है यहाँ पर, तो देखें, कैन सर्च प्रोफेशनली ईच और आ, और ये पॉइंट जो है ये सारी चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं. तो ये एक वर्ड का बड़ा अच्छा वो है, एक टूल है, एक क्या कह लें, खसूसियत है इसकी ये कि ये भी एक जस्टिफाइएबल में आ जाएगा, ये भी बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, ये जो ऑटो गैप्स हैं बीच में ये ऑटो फिल स्पेसेस मेंटेन कर देगा और ये एक बराबर कर देगा. मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ इसको. सबसे पहले वही काम, एक काम हमने इसको सेलेक्ट करना है, इस पूरे पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करने के लिए जो तरीक़ेकार हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. एक माउस के ज़रिए हमने सीखा था कि वीडियो पर आके हम कर्सर रखेंगे और वहाँ से हम लोग क्लिक किए, राइट लेफ्ट क्लिक करते हुए हम ड्रैग करके जहाँ तक हमने सेलेक्ट करना है वहाँ तक लेकर आके माउस को छोड़ देंगे. ये सिलेक्शन हमारी हो गई है. अब ये अगर ये वाला पॉइंट आप देखें, अंडर द होम टैब और पैराग्राफ सेक्शन के अंदर हम देखें तो ये कोई चार हमें पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं. ये बेसिकली कहलाती हैं अलाइनमेंट, अलाइन कहलाता है, टेक्स्ट अलाइन कहलाती हैं ये चार चीज़ें जो है. ये लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है, ये राइट अलाइन है और ये जस्टिफाई अलाइन है. जस्टिफाई लाइन से मुराद ये कि अगर मैं इस पहले वाली जस्टिफाई को क्लिक करता हूँ तो आप देखें इसने सारी चीज़ें बिल्कुल बराबर कर दी हैं, जो गैप्स बीच पर थे उनको मेंटेन कर दिया है और आखिरी लाइन जो है वो उसने पैराग्राफ के लिए जैसे होती है वो छोड़ दी है उसने. मैं अगेन इसको सारे को सिलेक्ट करता हूँ, जस्टिफाई वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, जस्टिफाई लो करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्टिफाई हाई करता हूँ तो उसने जो गैप्स हैं उनको तकरीबन ज़्यादा बराबर कर दिया है और उसको वो आगे ले गया है. ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है इसने चीज़ों को, थोड़ा ब्रॉड कर दिया, खुला कर दिया है. और जस्टिफाई हाई करता हूँ तो और देखिए उसने और बढ़ा दिया है और एक लाइन का इजाफा भी कर दिया, एक लाइन मतलब ऐड हो गई है उसमें बढ़ाने की वजह से, गैप्स जो हैं बीच के बढ़ाने की वजह से. तो ज़्यादातर नॉर्मली हम लोग इसको जस्टिफाई या जस्टिफाई लो में ही काम करते हैं, जो सेम चीज़ें हैं. इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल जे है, शॉर्टकट की CTRL+J, ये है जस्टिफाई अलाइन. ये पूरे पैराग्राफ को करती है. अभी अगर मैं इन सब बाकी पैराग्राफ्स को मैं करना चाहूँ तो ये देखें बड़े आराम से मैं सिलेक्ट करूँगा इसको और कंट्रोल जे भी प्रेस करता हूँ तो ये सारे जस्टिफाई हो जाएंगे. ठीक है, हम एक को जस्टिफाई सिंपल वाला हमने पहला पैराग्राफ कर दिया, दूसरे पैराग्राफ को हम जस्टिफाई मीडियम कर देते हैं और तीसरे पैराग्राफ को हम जस्टिफाई हाई कर देते हैं. ये लीजिए, ठीक है, ये हमने कर दिया. इसके अलावा कुछ और भी ये अलाइंस आपने देखी है, सेंटर लाइन, ये बेसिकली क्या चीज़ है मैं इसको भी थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ. ये पहला कॉलम हम लोग इसी पे करते हैं, पहला कॉलम हमने जस्टिफाइड है, हम इसको लेफ्ट लाइन कर देते हैं. लेफ्ट लाइन से मुराद ये होती है कि जो एस पर एक्चुअल टाइप हुआ था ये बगैर किसी फॉर्मेटिंग के, हम चूंकि इंग्लिश टाइप कर रहे हैं तो ये लेफ्ट टू राइट टाइपिंग हमारी है,
तो जो लेफ्ट लाइन है वो बेसिकली वही उसने उसी तरीके से टाइप कर दिया, जहां उसको वर्ड्स मिले, जहां पर उसका इंडेंटिंग खत्म हुई, जहां तक उसने प्रिंटेबल एरिया है वो खत्म हुआ, उसने नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर दी उसको कंटिन्यू करते हुए। अगर हम इसको सेंट्रल लाइन की बात करें तो सेंट्रल लाइन जो है वो इस तमाम टेक्स्ट को दरमियान में करने की कोशिश करेगा, दरमियान में करने की इसको कोशिश करता है। ये देखें, ये पेपर के बीचों बीच में टाइप कर रहा है और जो इसका साइजेस इसको मिले हुए हैं पेपर की तरफ से उसके दरमियान में ये बिल्कुल एक्यूरेट सेंट्रल लाइन करता है इसको। अगर हम लोग राइट की तरफ जाते हैं तो अलाइन राइट करते हैं तो वो देखें ये टाइपिंग तो उसने वहीं से स्टार्ट की हुई है लेकिन जो अलाइनमेंट है इसकी वो लेफ्ट से स्टार्ट राइट से स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ये तीन और ये चौथा जस्टिफाई वाला है। ठीक है, चूंकि हम लोग इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं तो इंग्लिश टाइपिंग लेफ्ट टू राइट टाइप होती है डेफिनेटली, और हमें इसमें ज्यादातर बहुत ज्यादा केसेस में हमें लेफ्ट लाइन, सेंट्रल लाइन और जस्टिफाई, ये तीन लाइन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जो राइट लाइन है वो भी डेफिनेटली यूज आता है, आप कोई बड़ा डॉक्यूमेंट लिख रहे हो और जिसमें कॉलम यूज हुए हुए हो या कोई बुक टाइपिंग हो रही हो तो उसके अंदर ये राइट लाइन भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता इंग्लिश में भी, लेकिन होता है लेकिन बहुत कम होता है। ठीक हो गया, ये हमने पांचों जो हमारे पैराग्राफ्स हैं इनको हमने एक को सिंपल, पहले वाले को सिंपल जस्टिफाई किया, दूसरे वाले को हमने जस्टिफाई मीडियम किया और चौथे वाले को हमने जस्टिफाई हाई किया। ये मैं एक और चीज बता जाऊं कि ये जस्टिफाई के बाकी तीन ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें शो हो रहे हैं ये 2016 में है, आई थिंक ये लास्ट जो अपडेट हुए हैं वो 2010 में नहीं थे या 2013 में नहीं थे, ये 2016 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब हम देखते हैं कि सपोज ये पहला पैराग्राफ हमने लिखा और हमने कहा जी कि इसमें ना कुछ इसकी लिस्टिंग है, मतलब इस पैराग्राफ के हवाले से मैं बात करूं, जैसे ये वीडियो प्रोवाइड दे रहा तो मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूं, मेकिंग वीडियोस रिक्वायर द फॉलोइंग आइटम्स। अच्छा अब मैं ये करता हूं तो जारी बात है मुझे सबसे पहले वीडियो कैमरा चाहिए, मुझे माइक चाहिए, मुझे हेडफोन्स चाहिए, मुझे लाइट्स चाहिए। ठीक है, मुझे सबसे पहली चीज वीडियो कैमरा माइक ये चीज़ें मुझे चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें मुझे चाहिए। अब ये अगर मैं किसी को ऐसे इस फॉर्मेट में दूंगा या फिर मैं नीचे देखता हूँ यहाँ पर हम लोग कोई और चीज़ जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग रिक्वायर्स द पीसी इन द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। अच्छा यहाँ पर मैं लिखता हूँ CPU i7 8th जनरेशन, रैम अगर मैं बात करूं तो 32 GB, अगर मैं हार्ड डिस्क की बात करूं या मेमोरी की बात करूं तो हम लिख देते हैं 2 GB, लिखने में क्या हर्ज है। अगर मैं बात करूं RGB नहीं वाटर कूलिंग सिस्टम फॉर CPU, ठीक हो गया, ये चीज़ें मैंने लिखी हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करूँ तो मैं लिख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ इसके अंदर कि ये मैंने वीडियो कैमरा माइक हेडफोन और लाइट्स, इसको अगर मैं कोई नंबर्स दे दूँ या मैं इसको साथ कोई निशान लगा दूँ और ये बुलेट्स में आ जाएं तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। जैसे कि मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको, अगर मैं इसमें बुलेट्स लगाना चाहूँ तो ये है बुलेट्स का बटन है ये, और ये है नंबरिंग का बटन। ठीक है, तो हम पहले बुलेट्स लगाने की कोशिश करते हैं, ये बुलेट्स ये लिस्टिंग के लिए यूज़ होता है बेसिकली, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखो अभी नन आ रहा है, ये मैं लगा सकता हूँ, ये लगा सकता हूँ, ये या ये या ये, या मैं डिफाइन न्यू बुलेट डिफाइन कर सकता हूँ सिंबल की सूरत में, पिक्चर की सूरत में। ठीक है, मैं सिंबल्स देखता हूँ अगर, तो सिंबल्स ये एक लिस्ट खुल गई है, ये आप कोई सा भी इसमें लगा सकते हैं सिंबल में से, मैं ये लगा देता हूँ। ओके ओके, ये देखें ये सिंबल्स आ गए हैं,
इसका हम शायद फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, अच्छा ये फ़ॉन्ट अगेन वैसे ही चेंज हुआ है, मैंने कोई साइंस नहीं लगाई, ये वही फ़ॉन्ट वाले सेक्शन के अंदर मैंने ये जस्ट जाके मैंने रेड क्लिक कर दिया तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर इस पे रख कर एक आइटम और आ गया है तो मैं बजाय यहाँ टाइप करने के मैं लाइट्स के ऊपर जाकर मैं पांचवा आइटम टाइप इंटर करूँगा तो ये एक और लाइन ऐड कर देगा और इसमें हम लिख देते हैं माइक स्टैंड। ठीक हो गया, ये चीज़ें हमने लिख दी हैं इसके अंदर, ये एक अब थोड़ी सी बेहतर लिस्ट हो गई है। अच्छा अगेन एक और चीज़ मैं कहता हूँ कि यार वीडियो कैमरे में ना, वीडियो कैमरे की मतलब दो चार चीज़ें हैं, दो चार चीज़ों से मुराद क्या है जी, कि एक वीडियो कैमरा है नंबर वन, नंबर टू उसके साथ उसका स्टैंड है, नंबर तीन उसकी वायरिंग्स हैं, नंबर चार वीडियो कैमरे की अपनी लाइटिंग है। ठीक है, अगर मैंने इसको भी आगे सब इसके पॉइंट्स सब सब पॉइंट्स बनाने हो, माइक के सब पॉइंट बनाने हो और हेडफोन्स के सब पॉइंट्स बनाने हो तो वो हम देखते हैं, वो भी इसमें पॉसिबल है और बड़े अच्छे तरीके से इसमें मैनेज हो जाते हैं। अगर मैं वीडियो कैमरे पर रख के इंटर मारूंगा तो ये एक नया आइटम डालेगा, लेकिन अगर मैं यहीं पर ही टैब रखूंगा, ये कीबोर्ड के ऊपर टैब का बटन आता है, अगर मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो देखें क्या होता है। ये देखें उसने एक डिफॉल्ट आइकन उसने उठा लिया है और उसको थोड़ा सा आगे ले गया है। अगर यहाँ पर मैं कुछ ए बी सी टाइप करता हूँ, एक्स वाई जेड टाइप करता हूँ, ठीक है, फिर ए बी सी टाइप करता हूँ, एक्स वाई जेड टाइप इंटर करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें एक लिस्टिंग डालता रहेगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं उनको चेंज करना चाहूँ तो बड़े आसानी से चेंज कर सकता हूँ। मतलब ये कि इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सिर्फ एक ए बी सी पे रख के मैं एक दफ़ा एरो की का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं बैकवर्ड एक एरो की प्रेस करता हूँ तो ये सारे सिलेक्ट हो जाते हैं, और यहाँ जाकर मेरे अभी ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये सिलेक्ट हो जाए तो ये देखें बड़ी आसानी के साथ, कोई इसमें मसला मसाइल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर हम टाइप करते हैं तो ऊपर वाले को ही उठाएगा जो हमने टिक का निशान क्लिक किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अच्छा इनको आप थोड़ा सा आगे पीछे भी मूव भी कर सकते हैं, ये नहीं कि आपको रिस्ट्रिक्शन है कि आप इसको यहाँ नहीं ला सकते। मैं वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ और इनको सिलेक्ट करता हूँ और ये देखें ये दो चीज़ें आ रही हैं, इनको बोलते हैं इंडेंट मार्कर, ये स्टार्टिंग इंडेंट मार्कर्स होते हैं और ये क्लोजिंग इंडेंट मार्कर है। ठीक है, ये आपके पेज की पूरी विड्थ भी बताते हैं, ये जो ग्रे वाला स्टाइल आपका है ये पेज के प्रिंटेबल एरिया है, और ये जो चीज़ें हैं दो चीज़ें डार्क ग्रे में जो हैं ये आप समझ सकते हैं कि जो हम पेपर में यूज़ करते थे हाशिया, आपको याद हो अगर हाशिया जो जिससे आगे आप नहीं लिख सकते और इसके पीछे नहीं लिख सकते, ये वो चीज़ है। और ये भी हम देखेंगे, इसको भी बढ़ा सकते हैं कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम अपने सेगमेंट में देखेंगे जो उसकी बारी आएगी। जब अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ, मूव करता हूँ, तो ये देखें ये इधर चला गया, मैं चाहता हूँ यहाँ पर आ जाए, ठीक हो गया, ये इतना बहुत है। और अगर मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और इनको कहता हूँ कि ये यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, वीडियो कैमरा, और अगर मैं वही इसको हर्ट वाले बुलेट को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट प्रिंटर पे जाता हूँ तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें ये अपनी इधर आ गया, उसके साथ अलाइन कर गया। और अगर ए बी सी वाले पे मैं क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करता हूँ और इन सब को सिलेक्ट करता हूँ तो देखें ये सारे इसके साथ आ गए। अगेन मैं माइक वाले को सिलेक्ट करता हूँ और एक दफ़ा इसको क्लिक करके इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें बड़ी आसानी के साथ, ये किस्म की रिविजन भी हो रही है कि ये कैसे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं चाहता हूँ कि ये जो पहली वाली हेडिंग इनको बोल्ड कर दिया जाए, ये बी कर दिया और यहाँ से कंट्रोल बी प्रेस कर दिया, ये सारे मैंने बुलेट कर दिए। ठीक है, अच्छा अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमने एक टाइपिंग की है, ये जो चार हमने पॉइंट्स लिखे थे, ठीक है, इन चारों पे जो है ना बजाय बुलेट्स के हम चाहते हैं कि इस पे नंबरिंग आए, तो नंबरिंग के लिए ये देखें अगला बुलेट जो है ना वो नंबरिंग का है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नंबरिंग की लाइब्रेरी शो हो जाएगी, उसमें आप चाहें तो ये वन डॉट के बाद देखें वो प्रीव्यू भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी इसके साथ शो हो जाएंगे, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट ऑटोमेटिकली नंबर है। ये अगर मैं चाहता हूँ तो ब्रैकेट में वन के साथ है, वन ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है, अच्छा रोमन में है 1 2 3 4, ए बी सी है, छोटी ए बी सी है, कैपिटल ए बी सी है और स्मॉल ए बी सी है, ठीक है, इसी तरह ये सारे आपके सामने फॉर्मेट आ रहे हैं। अगर आपने कोई नया फॉर्मेट लगाना हो तो वो भी डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ नंबरिंग स्टाइल हमारा रहे
वन टू थ्री वाला रहे लेकिन बैक पे 2-0, 3-0 आ जाए, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। और फ़ॉन्ट अगर मैंने चेंज करनी हो तो मैं फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से जो भी मैंने फ़ॉन्ट रखनी है मैं रख सकता हूँ। अगेन ये वही एक डायलॉग बॉक्स है कंट्रोल डी वाला, जो कंट्रोल डी करके करते हैं। और अगर आपने इसमें कोई चेंजिंग्स करनी है, बोल्ड करना है, साइज़ बड़ा करना है, जो भी आपने करना है आप वो कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। मैंने ओके कर दिया। ये देखें अब इसने 001, 002, 003, 004 ये इसने सेलेक्ट कर दिया है। अगेन इसमें भी अगर हमने जाना है, इसकी भी कोई और लिस्ट है, सब लिस्ट इसके साथ है, तो हम इंटर करेंगे और टैब दबाएंगे तो वो देखेंगे उसने ABC स्टार्ट कर दिया है। अमूमन हम भी ऐसा ही करते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो तो 1-2 से शुरू करते हैं, और अगर उसका कोई 1 का सब पार्ट आता है तो हम 1A, 1B, 1C या 1 के बाद ABC हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये भी उसी को लेके चलता है कंप्यूटर भी, चूँकि इसको भी किसी इंसान ने बनाया है, इसको भी कोडिंग किसी इंसान ने की है, तो इस वजह से वो उसी हायरार्की को, उसी मेंटल लेवल को लेके चल रहा है। हम इसमें कोई चीज़ें ऐड कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये ऐसी तरीके से डमी सी एंट्रीज हैं। और अभी थोड़ा सा बुरा लग रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, डी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊँगा। ये देखें, ये लें, इनमें गैप थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको इसका गैप थोड़ा सा कम कर देता हूँ, बल्कि ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट हो गया बुलेट्स वाला, ये हमने कर दिया है, और ये हमारा हो गया नंबरिंग वाला, ये हमने कर दिया है। अगेन कुछ ना, अगर आपने इसके मल्टी लेवल्स अगर आपके क्रिएट हो रहे हैं, मतलब ABC के बाद भी कुछ आ रहा है, इसके भी कुछ सब पार्ट्स बन रहे हैं, तो वो भी बनते रहेंगे, ठीक है। ये देखें टैब बनते रहेंगे तो आपके ये सारे काम होते रहेंगे। इस पर हम कहते हैं कि ये बन गया अगेन, और मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये बन गया, ठीक है। ये आप के बनते जा रहे हैं टैब्स, और मैं कहूं इसके नीचे कोई टैब है, ये देखें, ये इसके टैब बनते जा रहे हैं, ये मल्टी लेवल सिस्टम है। लेकिन हम इसको एडिट चेंज कर सकते हैं विद वन क्लिक, तो वो उसके लिए आपको ये सिलेक्शन है, और ये देखें ये है मल्टी लेवल लिस्ट जो है ना, ये आप ये देखें ये आ रही है टिक के बाद, ये ऐसे ऐसे चल रहा है ड्राफ्ट। अगर ये आपकी नंबरिंग चल रही है तो नंबरिंग हमने वन के बाद देखें, ए हमारे पास नीचे आया था, मैं थोड़ा दिखा भी देता हूँ, ये वन के बाद ए आया था, तो इसने इसको उठा लिया था, ठीक है। ये ऑटोमेटिक लिस्टिंग है। अगर आप इसको फोर्स कराना चाहते हैं कि यार ये ऐसे शो हो, तो मैं इसको सिंपल सा मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया, और ये वाला मैं फोर्स कराना चाहता हूँ, तो ये मैंने क्लिक किया, तो देखें वन के बाद ये जो उसने सब पार्ट्स थे इसके 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है, 1.4 आपको डी याद होगा, हमने एम्प्टी छोड़ दिया, मैं यहाँ कुछ टाइप भी कर देता हूँ, ये लीजिएगा। फिर ये 2 आ गया, फिर ये 3 आ गया, और फिर ये 4 आ गया, ठीक है। और ये इसने ये इसको इस फॉर्मेट में कर दिया। अब मैं चाहता हूँ नहीं यार ये वाला फॉर्मेट नहीं, ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए, उसने इसको ऐसे कर दिया, और हेडिंग में कन्वर्ट भी कर दिया उसने कि ये 1 है, 1.2 है, 1.3, 1.4, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। नहीं, अगेन हमें ये पसंद नहीं आ रहा, हम चाहते हैं कि हमें ये वाला फॉर्मेट मिल जाए। ये देखें आर्टिकल 1 इसने खुद लगा दिया, आर्टिकल 1 ये है हमारा, उसका सेक्शन 1.01 ये है, 1.02 ये है, 1.03 ये है, ये चीज़ें क्यों कहां पर काम आती हैं, ये जब आप कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट कर रहे हो जिसमें मल्टीपल पैराग्राफ्स हों, और हर पैराग्राफ की पहचान के लिए जैसे बुक में होता है हेडिंग्स होती हैं, उसके बाद एक पैराग्राफ लिखा होता है, फिर उसके नीचे एक सब हेडिंग होती है, उसकी कोई डेफिनेशन या उसका कोई उसके मुताबिक पैराग्राफ लिखा होता है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा काम करेगा आपके लिए, और ये इतना आसानी कर देगा आपकी डॉक्यूमेंट राइटिंग को कि आप एक दफ़ा हैरान खुद हो जाएंगे यार कि यार इतना आसान काम है ये, ठीक है। तो ये देखें अब इसने फॉर्मेट चेंज कर दिया है, 1, 2, 3, 4 रोमन में लेकर आ गया, और इसका ABC सब पार्ट्स जो हैं वो ABC में लेकर आ गया। ये सारे फॉर्मेट्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं, फिर चेंजिंग्स करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं इसके साथ, ठीक है। उसके बाद ये कुछ चीज़ें आ रही हैं, ये हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। ये पहली चीज़ है जी इंडेंटिंग कहते हैं इसको, डिक्रीज इंडेंट है और इंक्रीज इंडेंट है। इंडेंट होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए कि आप एक चीज़ कहते हैं, मैं सिंपल सा इसको देखूं तो क्या कहना चाहिए इसको, चलें हाउ
टू राइट अ पैरा ग्राफ, ये मैंने एक लाइन लिखी, इसके मुतालिक समझिए कि हाउ टू राइट अ पैराग्राफ का डिटेल जो है वो सारी की सारी ये आ गई है। ठीक है, मैं फिल वक्त इसको सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं हम नया बना लेते हैं क्योंकि बाद में भी काम आएगा। मैं यहाँ से एक पैराग्राफ कॉपी करता हूँ, ये वाला, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी अगेन कॉपी किया, और हाउ टू राइट अ पैराग्राफ में आगे मैंने एक ये पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ, हाउ टू क्रिएट बुलेट लिस्टिंग एंड नंबर लिस्टिंग। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपके, अब देखें मैं अभी आपको इसको भी थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ कि हमें जरूरत कैसे पड़ती है। यहाँ पर मैंने हाउ टू राइट अ पैराग्राफ पे लिखा और इसकी हमने दो लाइनें लिखी और हमने कहा जी कि यार ये दो लाइनें हैं इसकी तारीफ के लिए, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ बला 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 बला, यहाँ तक ये हमने डिफाइन कर दिया कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। अब मैं इसके एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, और चूंकि ये दोनों ये वाली जो दो लाइनें हैं और ये जो अगली जो चार लाइनें हैं ये आपको ऐसे एक बिल्कुल सेम लग रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसको मैं ये जो है ये इसको मैं थोड़ा दरमियान में कर दूँ। ठीक है, तो दरमियान में अगर मैं करूँगा तो अगेन वो ऐसे शो हो जाएगा जैसे हमें सेंट्रल लाइन का पता है, लेकिन मैं चाहता कुछ और हूँ, मैं इसको जस्टिफाई करूँगा। जस्टिफाई करके अगर मैं इसको यहाँ से ये जो इंडेंट्स थे, या मैं इसी के बात करता हूँ, तो मैंने इंक्रीज इंडेंट में क्लिक करूँगा तो ये देखें पूरे का पूरा एक उसने टैब प्रेस कर दिया है, तकरीबन 7 स्पेसेस ये आगे आ गया है। ठीक है, एक और दफ़ा मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ चला जाएगा। अच्छा, चूँकि ये इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो इसके लिए है, अब ये एक आगे दो बटन आपको नज़र आ रही हैं, एक लेफ़्ट टू राइट है और एक राइट टू लेफ्ट है। अगर मैं राइट टू लेफ्ट करूंगा, ठीक है, और उसको मैं इंक्रीज करूंगा डिक्रीज करूंगा तो ये देखें वापस ये हो रहा है, इस तरफ से होना शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट यूज कर रहे हैं तो हम लेफ्ट टू राइट करके और हम दो पॉइंट यहां से बढ़ाते हैं। इसी तरीके से हमने यहां से भी इसको थोड़ा सा करना है, तो हम इसके लिए ये जो है ये जो इंडेंट मार्कर्स हैं इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें इस पर आ भी जाता है, होवर करने पर आ भी जाता है राइट इंडेंट। हम इस पर अगर डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें अलाइनमेंट इसकी हमने जस्टिफाई की हुई है, इस पैराग्राफ की जिसमें हमने सेलेक्ट किया हुआ है, बॉडी टेक्स्ट है। ठीक है, और उसके बाद ये लेफ्ट टू राइट चल रहा है, हमें ये भी पता है इस चीज का। बिफोर टेक्स्ट इंडेंशन, ये देखें ये इंडेंशन वाला पार्ट है, इसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है, ये सारा इंडेंशन वाला पार्ट है। इंडेंशन में हम अभी दो चीजें देखेंगे, बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट। बिफोर टेक्स्ट हमने किया है कितना, 1 इंच का, हमने दो दफा प्रेस किया था, 1 इंचेस है, और आफ्टर टेक्स्ट जो है वो 0 है। ठीक है, हम इसको बढ़ाते हैं, अगर हम इसको बढ़ाकर 1 पे ले जाते हैं, देखो नीचे वाला ये आपको चीज़ नज़र आ रही है कि ये ऊपर वाली दो लाइनें जो हैं ये उसको शो कर रहा है और नीचे वाली लाइनों को इसको शो कर रहा है, और बीच वाले को जो ब्लैक किया हुआ है इसने वो इसकी अभी इंडेंशन शो कर रहा है, और ये हमने 1 कर दिया और ओके करते हैं तो देखिएगा आप क्या होते हैं। अभी ये इसने यहाँ से भी 1 इंच छोड़ दिया है आपका जो प्रिंटेबल फॉर्म है, और यहाँ से भी इसने 1 इंच छोड़ दिया तकरीबन। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट बीच में लेकर आ गया, पैराग्राफ को ये बीच में लेकर आ गया है, ये बेसिकली इंडेंशन है, और ये बड़ा खूबसूरत डॉक्यूमेंट बना देती है। अगर किसी का कोट हमने टाइप करना हो तो उसके लिए बड़ा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये, अगर किसी कोटेशन अगर हमने किसी फेमस पर्सन की अगर हमने कोई कोट कॉपी करना हो तो उसके लिए ये बहुत बेहतर होता है कि हम इस तरीके से इसको कोट को रिप्रेजेंट करें, और बड़ा अच्छा भी लगता है और कैची भी लगता है ये। ठीक है, आई थिंक कि आपको मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी इंडेंशन की। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी आ गई है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बहुत काम आने वाली है ज़िंदगी में ये, खसूसन जब आप MS Word पे टाइप कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा काम आती है, वो है लाइन स्पेसिंग। ये चीज़ जो हम लोग अभी टाइप की है तो इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो इस टाइम पे 0 है। ठीक है, ये देखें इसकी लाइन स्पेसिंग अभी है 0, और ये बढ़ सकती है, इसका लाइन स्पेसिंग ऑटोमेटिकली 0.5 हो सकता है, मतलब इसका हाफ ऐड अप हो सकता है,
फिर वन इन वन पॉइंट पर जा सकता है, टू हो सकता है, 1.5 हो सकता है, और इससे पहले ये 2 तक था, और 2016 में ये आई थिंक 3 तक भी चला गया है। हम इसको देखते हैं कैसे, मैं जो बात कर रहा हूँ वो उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम अभी बात करेंगे इसके ऊपर, इम्प्लीमेंट करेंगे लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के लिए हमें इसको सिलेक्ट करना है, और ये लाइन स्पेसिंग है, इस पर क्लिक करेंगे तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। वन पे करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, 1.15 पे करेंगे तो देखिएगा इस फर्क देख लें, ये देखें ये इसका गैप, जो लाइन का गैप है वो बढ़ रहा है। ठीक है, हम इससे सेटिस्फाई नहीं हुए, हमने कहा जी कि इसको 1.5, अब देखें 1.15 इतना है, 1.5 इतना है, और 1.1 इतना है, 1.0 इतना है, 1.5 फिर 2 फिर 2.5 और फिर 3 सॉरी हम 1.5 कर देते हैं। अब ये 1.5 जो है ना, बेसिकली ऊपर वाली लाइन ने नीचे वाली लाइन, और जो हमने नीचे वाली लाइन थी उसको सिलेक्ट किया हुआ था, ये उस लाइन पर हुआ है जिसको हमने सिलेक्शन की हुई थी, उसने नीचे से उसका गैप बढ़ा दिया। अगर आप ऊपर वाली लाइन है जो हाउ टू राइट पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको देखेंगे तो उसमें ये गैप नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने ये गैप तो जो दिया है वो हमने वीडियो प्रोवाइड वाली लाइन से स्टार्ट करके हाउ टू वांट टू ऐड तक हमने जो किया था सिलेक्शन उसके ऊपर अप्लाई किया है, और उसने उस लाइन के नीचे उसकी स्पेसिंग दे दी है। अगर मैं यही अर्ज करूं, ये हाउ टू राइट पर मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इस पर जाकर 1.5 का लगाता हूं, तो देखें अब इसके साथ भी गैपिंग आ गई है। अब ये गैप जो होता है ये नीचे होता है, लाइन के नीचे होता है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके करता हूं अगर, तो इस पर भी मैं 2 कर देता हूं सपोज, तो ये देखें अब इसने ये सिलेक्शन करते हैं ना आपको, तो आपको थोड़ा सा नजर आता है कि लाइन है उसका, और उसके नीचे जो सिलेक्शन आ रही है, जो सिलेक्ट हो रहा है, जो हाईलाइट एरिया हो रहा है वो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसका मतलब ये कि उसमें कोई फॉर्मेशन हुई हुई है, उसमें कोई फॉर्मेशन हुई हुई है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन है बेसिकली कि भाई ये इसमें कोई चीज़ आपने इम्प्लीमेंट की हुई है और इस वजह से यहाँ पर ये ऐसा शो कर रहा है। ठीक है, ये लाइन स्पेसिंग्स हैं। इसमें एक चीज़ थी जो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कुछ प्रीसेट आई हुई हैं, 1 है, 1.15 है, 1.5 है, 2 है, 2.25 है, 3 है। लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस क्या देता है, इसमें हमें क्या चीज़ें मिलती हैं देखने को, वो देख लें आप। लाइन स्पेसिंग ये है, ठीक है, इसमें दोनों तरीके से यूज हो जाती हैं, बिफोर और आफ्टर वाला भी हो जाता है, लाइन स्पेसिंग भी आ जाती है और एट भी आ जाता है। ठीक है, ये अगर हम बात करें लाइन स्पेसिंग हमने की 1.5, ठीक है, और बिफोर हमने किया 6 पॉइंट और आफ्टर किया 6 पॉइंट, तो ओके करके देखते हैं। ये देखें अब इसने ऊपर भी बढ़ा दिया है, टॉप से भी कर दिया है, और नीचे इसने हाफ जो उसका स्पेसिंग थी उसके बाद में 6 पॉइंट्स का उसने इजाफा कर दिया है। तो ये बेसिकली आप जितना इसके साथ खेलेंगे आपको उतना ही इसमें मज़ा भी आएगा डेफिनेटली, और उसके बाद आप और इसमें तजर्बे करेंगे तो आपको समझ आएगी, मज़ा आएगा। ये बेसिकली वही वाला पेज है जिसमें हम लोग इंडेंशन भी कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, स्पेसिंग भी कर सकते हैं, और उसका प्रीव्यू नीचे आ रहा है। ये दोनों तीनों चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। ठीक हो गया, ओके, अब ये हमने लाइन स्पेसिंग भी देख ली है। अच्छा, उसके बाद अगला सेक्शन जो है इंडेंटेड भी हो गया हमारा, लाइन स्पेसिंग भी हो गई है, ये दो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। थोड़ा सा मैंने पहले बताया था, ये है राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। अगर मैं इसको मैं यहाँ पर आपको दूसरे पेज पे जाकर मैं इंटर करके मैं टाइप करके आपको थोड़ा सा बताता हूँ तो आपको थोड़ी शायद शायद समझ आ जाए इसका मकसद क्या है। ये देखें, ये अभी हमारा हमारा है लेफ्ट टू राइट ना, तो यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, क्लिक इंसर्ट एंड देन चूज द एलिमेंट एलिमेंट्स यू वांट फ्रॉम द डिफरेंट गैलरीज। ठीक हो गया, लेकिन अब मैं इंटर मारता हूँ, लाइन ब्रेक करता हूँ और मैं इसको करता हूँ राइट टू लेफ्ट पे, और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ तो आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा। क्लिक insert and then choose the elements you want from the different galleries। ठीक हो गया,
ये बेसिकली लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ टाइप कर रहा है, लेकिन चूंकि इंग्लिश है तो इसी वजह से जब हम ये उर्दू में टाइप करेंगे, जब हम उर्दू इसमें इंस्टॉल करेंगे और उर्दू में टाइपिंग भी करेंगे तो ये आपको थोड़ा समझ आएगा कि ये लेफ्ट टू राइट का मकसद क्या है। ठीक है, ये शुरू में आज से कई साल पहले जब एमएस वर्ड जो था सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को सपोर्ट करता था या कुछ और लैंग्वेजेस थी जो इंग्लिश से पैरेलल थी, मतलब लेफ्ट टू राइट यही टाइपिंग थी उसकी, तो तब तक ये इसमें यही था। उसके बाद फिर जब ये इसने सपोर्ट करना शुरू किया बाकी लैंग्वेजेस को, जो राइट टू लेफ्ट लैंग्वेजेस हैं, अरेबिक है, उर्दू है, और भी जो बाकी लैंग्वेजेस जो राइट टू लेफ्ट पे चलती हैं, उसके लिए फिर उन्होंने ये ऑप्शन इसमें ऐड की थी। हम इसमें उर्दू टाइप करेंगे, जैसे कि आप थोड़ा सा अगर देखना चाहते हैं तो देख भी लीजिए, राइट टू लेफ्ट मेरा यू यूट्यूब चैनल का नाम AQS है, सेलेक्ट करके फॉन्ट जाके चेंज करेंगे तो ये देखिए फॉन्ट साइज। तो हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा कि जब हम इसमें उर्दू टाइप करेंगे और उर्दू से हम पूरी पूरी बुक्स इसमें लिख सकते हैं इसकी बाकी यूटिलिटीज़ को यूज़ करते हुए, और ये बहुत आसान हो जाता है। कुछ लोग जानते होंगे उर्दू के लिए वैसे बेसिकली तो इन पेज यूज़ किया जाता है, लेकिन उससे बहुत बेहतर है अगर हम लोग उर्दू इसमें टाइप करें। तो बहरहाल ये एक और चीज़ हो गई है, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे एक चीज़ लिखी आ रही है, ये एक शेडिंग है। शेडिंग से मुराद ये कि आपका ये डॉक्यूमेंट है और आप इसको शेड करना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे ये जैसे ये हमने किया था, हाई लेटर टेक्स्ट हाई लेटर था, थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन इसको हम लोग देखते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखें, ये जो हमने टेक्स्ट हाईलाइट किया हुआ है उसकी बैकग्राउंड पे ये लेकर आ जाएगा उस कलर को, ठीक हो गया। ये कोई और कलर लगा देते हैं इसके पीछे हम कुछ और लगा देते हैं, तो जो हमारी सिलेक्शंस होगी उसके बैक साइड पर ये आएगा, ठीक है। जो भी हमारी सिलेक्शंस हम करेंगे उस पैराग्राफ के ऊपर, ये सारे के ऊपर उस ब्लॉक पर आ जाएगा। ये मैं इस पैराग्राफ को देखता हूँ तो इस पैराग्राफ को भी अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें, ये देखें इस पूरे पूरे ब्लॉक को उसने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और अगेन अगर मैं इसको, ये जो ब्लॉक हमें नज़र आ रहा है इस पर अगर मैं कोई बॉर्डर लगाना चाहता हूँ या मैं कोई और चीज़ करना चाहता हूँ उसके ऊपर, तो देखें ज़रा, सेलेक्ट किया मैंने इसको और मैं इस लाइन पर आया, इधर मैं चाहता हूँ कि ये जो है चारों तरफ से इसकी बॉर्डर लग जाए, तो ये देखें बॉर्डर लग गया है इसको। अगर मैं चाहता हूँ उसका खाली साइडें रह जाएं और ऊपर नीचे और ऊपर वाला नीचे वाला बॉर्डर ना रहे, तो मैं सबसे पहले नो बॉर्डर सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद क्लिक करके मैं चाहता हूँ साइडें रह जाएं, तो ये लेफ्ट बॉर्डर रह गया और राइट बॉर्डर रह गया, ये देखें। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार ऊपर वाला बॉर्डर आ जाए तो बेहतर होगा, तो मैं इसको राइट वाला भी रहने देते हैं और ऊपर वाला लगा देते हैं। ये तीनों बॉर्डर में से एक बॉर्डर हो गया। ये वाला जो आ रहा है नीचे वाला पैराग्राफ आ रहा है, इसको मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये वाला कर देते हैं, या फिर आउटसाइड बॉर्डर लगा देते हैं, या फिर दरमियान में से बॉर्डर लगा देते हैं। ये इस तरीके से आप मज़ीद इसका जो भी करना चाहें वो आप देख सकते हैं। ड्रा टेबल करना चाहते हैं, ये टेबल का सेक्शन बहुत बड़ा है, हम इसको अलग से बाद में देखेंगे। इसको फिल वक्त आपके लिए ये है कि अगर आप इस पैराग्राफ के ऊपर अगर आप कोई बॉर्डर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो आप बॉर्डर यहाँ से लगा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये एक वैसे ही है जैसे आप एक डॉक्यूमेंट की खूबसूरती के लिए दिखाने के लिए कि इस पे ये काम हमने किया हुआ है और अगले को अंडरस्टैंड हो जाए, आप उसके लिए ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि अगर जो पढ़ने वाला है, जो आपके टारगेट ऑडियंस है आपकी, वो अगर उसको देखना चाहती है, उसको अगर समझाना चाह रहे हैं आप बगैर सिर्फ दिखा कर कि आपका उससे कम्युनिकेशन नहीं होनी है, तो आप उसके लिए ये बहुत बेहतर है, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक इसके थोड़ा छोटा सा नोट बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में भी। तो बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।